असल में कभी कैसे हो माशाल्लाह सब खैरियत से हो गए तो आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत पेंट की बॉटम का पेस्ट लेकर आए हैं जिसे हम लगाएंगे तो हमने उल्टे पे सीधा लगाया है यानी उल्टा पाइचा रखा है उस पर पे सीधा पेस रख कर इस तरह हमने पिन अप कर दिया है पिन हम कुछ ज़्यादा लगा देंगे ताकि हमारा पेस हिले नहीं और ये जो ट्राइंगल वर्क किया हुआ है उसके ठीक बाहर हम इस तरह स्टिच करेंगे हर पॉइंट पे सुई रुकाएंगे कॉर्नर पे भी हम रुकाएंगे और बाहर की साइड में भी और इस तरह घुमाते हुए अच्छी तरह से हम सिलाई कर लेंगे सिलाई का टाका मीडियम रखेंगे ना बड़ा बड़ा रखेंगे और ना बारीक यानी मीडियम टाका हमें रखना है और इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे ये बहुत ही खूबसूरत लगता है कपड़े में भी इस तरह ट्राइंगल बना के हम डाल सकते हैं जो हमने आगे वीडियो डाल चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं और ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है ट्राइंगल में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा तो इन पूरा वीडियो देखिए तो इस तरह हमने सारी स्टिच कर ली है अभी जो एक इंच रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे और ये जितने भी बने हुए हैं इसमें हम इस तरह से कट लगाएंगे तो जब तक हम कट लगाते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जो हमने कट लगा दिए है ये सारी पिन हम निकाल देंगे और ये ट्राइंगल इस तरह उंगली की मदद से निकाल देंगे ये सारे ट्राइंगल हमने बाहर निकाल दिए हैं आप इस पर कॉटन कपड़ा रखकर प्रेस भी कर सकते हैं अब ऊपर से हम एक इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह कट कर देंगे तो हमने कपड़ा कट कर दिया ये हम कपड़ा मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के समय हाथ से कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए ताकि बीच में कोई कपड़ा झोल ना आए ऊपर के कपड़े में या नीचे के कपड़े में झोल ना आए इस तरह हम सिलाई करेंगे बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई करेंगे पाइचा हमारा बहुत खूबसूरत लगने वाला है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ये हमने सिलाई लगा चुके हैं ये देखिए इस तरह लगेगा इसके पहले हम जितने भी बने हैं उस पर कॉर्नर की सिलाई दे देंगे ताकि जो हमने अंदर की साइड में कट लगाए हुए हैं तो जल्दी फट ना जाए कपड़ा टिश्यू का है तो जल्दी धागे निकल सकते हैं फट सकता है तो हम इस तरह कवर सिलाई कर देंगे तो ये जल्दी निकलेगा नहीं और बहुत फिनिशिंग से अच्छी तरह से आ जाएगा अगर पेस ज़्यादा चौड़ा हो तो इस तरह बीच में सिलाई मार लीजिए तो पेस लटकेगा नहीं और बहुत ही फिनिशिंग से अच्छा पैंचा तैयार हो जाएगा तो लीजिए हमारा पैंचा तैयार है ये बहुत ही खूबसूरत पैंचा तैयार हो गया है अभी हम इसे इनसाइड सिलाई कर देंगे तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है तो आप भी बनाइए और इसी तरह अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में इनशाला हाफिज़